होटल से चेकआउट करता हूँ और नेक्स्ट होटल जो बुक किया हूँ वहाँ पर मैं जाऊँगा, फिर वहाँ पर सब चीज देखूंगा, फिर उसके बाद ही निकलूंगा। खैर चलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है, चेकआउट हमारा कस्टमर। ठीक है, अभी सुबह सुबह धूप निकल गई है तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, जो हमारा दूसरा होटल बुक है वहाँ पर हम जा रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी पहुँचेंगे। अभी लोकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से इस होटल से करीब 600 मीटर दूर पर है, तो पैदल ही निकल लेते हैं। तो अभी हम इस होटल आ गए हैं और यहाँ से अभी अपने अपने रूम में जाते हैं और रूम में जाने के बाद फिर वहाँ से निकलते हैं। ठीक है, रेडी होकर। तो ये रूम है, रूम को ओपन करते हैं। नाइस रूम, रूम काफी अच्छा हमको मिल गया है और इसका मैं थोड़ा सा टूर करा देता हूँ आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा देख लो फिर चलते हैं। इस होटल में देखो ये 274 के 82 रुपए के आसपास का है और इसकी दीवार की डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और ये बेड है उड़ने के लिए कंबल और ये तकिया और यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जिससे आप अपना फेस देख सकते हैं। और ये बाथरूम, तो ये बाथरूम है, बाथरूम भी ठीक है। इसके आगे का व्यू पॉइंट आपको दिखाता हूँ। आप रे डेंजरस है। अभी का ये है कि अभी हम जा रहे हैं नहाने और नहा के फिर निकलेंगे यहाँ से। नहा कर रेडी हो गया और नहा कर रेडी होने के बाद अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, मार्केट। मार्केट में बात करूँ तो आज दिल्ली घुमाना है आप लोग को, हमें भी घूमना है, तो घर चलते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत सारा चीजें आप देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं और समझाते हैं। निकल गया हूँ और होटल से निकलने के बाद जा रहा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से हमें लेना है ऑटो और ऑटो लेने के बाद तब आगे निकलना है। तो सब मार्केट लगा है, 200 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ से हमें पकड़ना है, या तो बस पकड़ेंगे या तो टोटो, दोनों में से कोई एक करूँगा। तो बस में बैठ गए हैं और यह बस जाएगी इंडिया गेट, 522 नंबर है बस का। तो यहाँ पर रेडी होकर बैठ गया हूँ, बहुत ही जल्दी चलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू दिल्ली से इंडिया गेट की टिकट की प्राइस है 10 रुपये। बस ने उतार दिया है और उतारने के बाद हम यहाँ से बहुत ही नज़दीक है इंडिया गेट और इंडिया गेट पहुँचने के बाद हम आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे। और अभी एक साइड से रास्ता गया है जो कि उसके साथ साथ हम चल रहे हैं। इंडिया गेट पे हम बस पहुँचने ही वाले हैं, एक तरह से देखा जाए तो आ गया हूँ और भीड़ यहीं से भी आप देख लो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और पहुँच के दिखाते हैं, काफ़ी इंजॉयमेंट वाली चीज़ है यहाँ पर आना। अगर दिल्ली आप घूमने आए हो तो यहाँ पर ना आओ तो सबसे बेकार है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। गेट आ गए हैं और पीछे हमारे हैं इंडिया गेट, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यह बंद है क्योंकि 26 जनवरी आ रही है, उसकी पूरी तैयारी कर रही है तो इसके कारण पूरा बंद है। इधर भी बंद है और इधर भी बंद है, मतलब दोनों तरफ बंद है, तो इसके लिए हम अंदर मतलब उसके पास नहीं जा सकते हैं इंडिया गेट के पास। और फोटो वोटो तो खैर यहीं से खिंचाना पड़ेगा, तो सेल्फी भी क्लिक करते हैं और भी कुछ शॉट्स दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद चलते हैं क्योंकि अब बंद है तो हम कुछ कह नहीं सकते। खैर देखते हैं आगे। मैं ही नहीं परेशान हूँ, सभी लोग परेशान हैं क्योंकि सभी लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाना चाहते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सभी लोग बाहर ही खड़े हैं तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला। खैर कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी प्लेस है यहाँ पर घूमने के लायक, और भी बहुत जगह चलेंगे। देखो 26 जनवरी की तैयारी हो रही है इसलिए सब चीज़ बंद कर दिया गया, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, या जिनके पास पास होगा या फिर जो वर्क कर रहे हैं इसके अंदर वहीं जा सकते हैं। तो आप चल रहे हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है और बस स्टैंड पे चलते हैं और फिर वहाँ से हम निकलते हैं कुतुब मीनार के लिए। तो कुतुब मीनार भी हमें आज देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और जाना भी है,
तो कुतुब मीनार पहले चलते हैं। अभी हमने कुतुब मीनार जाने के लिए हमने क्या बुक की है, ओला बुक किया हूँ। और ओला बुक करने के बाद ओला में जो बाइक होता है वो बाइक को मैंने बुक किया हूँ। तो ओला बाइक जैसे ही आता है वहाँ पर बैठ कर तब चलेंगे कुतुब मीनार, और इसके बीच में ये नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। अभी 8 मिनट दिखा रहा है इसमें कि 8 मिनट में वो आ जाएगा, तो बहुत जैसे ही आएगा वैसे ही कुतुब मीनार के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो ओला वाला आ गया, ये सामने है ओला बाइक बेस्ट इंडियन पे। यस राइट, कुतुब मीनार OTP 7427, ठीक है ओके। हेलमेट थैंक यू। तो हेलमेट लगा लिए हैं और ओला बाइक पे हम बैठ गए हैं और यहाँ से कुतुब मीनार के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं हम और ओला भाई साहब। तो बहुत ही जल्दी वहाँ पर भी पहुँचते हैं, बीच में कुछ नज़ारे हम आपको दिखाते हैं, फिर उसको देखो और इन्जॉय करो। खैर चलते हैं। दिल्ली की सड़कें बहुत ही साफ़ सुथरी है, बहुत ही स्मूथ बाइक चलती है, चाहे बाइक हो चाहे कार हो चाहे बस हो, सब चीज़ें बहुत ही स्मूथ चलती है। क्योंकि यहाँ के रोड आप खुद देख सकते हैं कितना खूबसूरत रोड है, कितना एकदम क्लीन रोड है, हम आपको बता ही नहीं सकते कितना खूबसूरत है। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब कि वीडियो तक हिल नहीं रहा है, तो ये खासियत है। खैर दिल्ली की सड़कें बहुत ही अच्छी है। पृथ्वीराज रोड है और यहाँ से स्टेट ही हम लोग चलेंगे। कितना हुआ? नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी हो सकती है। 76। कुतुब मीनार आ गया हूँ और कुतुब मीनार के अंदर जाने वाले हैं और वहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट आपको दिखाऊंगा। खैर अभी बने रहो इस वीडियो पे, और अभी लाइन है, पता नहीं अंदर खुला है कि नहीं खुला, जाके अंदर देखकर ही बताता हूँ आपको, ठीक है। कुतुब मीनार के ऑनलाइन टिकट हमने बुक किया, 3500 रुपये का है, और ऑफलाइन में लेंगे तो ये 40 रुपये का पड़ जाएगा आपको। चलो एक ही है ना? हाँ एक एक पास हो गया, एक अभी बाकी है सुरक्षा जांच। कुतुब मीनार में एंट्री हो चुकी है और चल रहे हैं अंदर देखने के लिए, तो बने रहो और भी चारों तरफ से भी दिखाता हूँ। 3500 रुपये टिकट लगा, हालांकि ऑनलाइन बुक करते तो 3500 रुपये लगेगा, नहीं तो आपको 40 रुपये ऑफलाइन में लाइन भी लगाना पड़ता है, ऑनलाइन बहुत ही सस्ता है, एक तरह से 5 रुपये अगर कम होते तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और दूसरी चीज़ लाइन लगी लगाना पड़ता है ऑनलाइन में। खैर चलते हैं। यहाँ पर एयरटेल वोडाफोन दोनों का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जियो का नेटवर्क इतना बढ़िया है कि उसने काम कर दिया और हमारा काम हो गया। खैर आपको चारों तरफ से व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको, ठीक है। कुतुब मीनार का दर्शन हम आपको दिखाएंगे, यानी कि कुतुब मीनार का झलक दिखाएंगे। पहले आपको चारों तरफ से मैं आपको एक वीडियो थोड़ा घुमाकर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद कुतुब मीनार अच्छे से नज़दीक से दिखाता हूँ, ठीक है। कुतुब मीनार के अंदर जैसे ही आएंगे कुछ इस तरह का आपको देखने का व्यू पॉइंट मिल जाता है। जैसे आपको देख सकते हैं सामने कुतुब मीनार, हम सबका प्यारा कुतुब मीनार। ये भी कुछ घर टाइप का बना है, क्या है ये तो पता नहीं, गूगल करना ही पड़ेगा। चारों तरफ दिखा दे रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है।
ये देखो बहुत ही पुरानी कुतुब मीनार देख कर अनुभव कर पा रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। भाई साहब वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये कुतुब मीनार है। इसकी जो बीच बीच में आप देख रहे हैं ये पट्टी साइड इसमें डिज़ाइन की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको फील अभी ऐसे नहीं होगा, जब आप यहाँ पर आके देखेंगे तब आपको फील होगा कितना बड़ा है कुतुब मीनार। भाई साहब वेरी नाइस, ये देखो बाप रे। कुतुब मीनार के साइड साइड में आप देख सकते हो, तो ये बहुत ही पुरानी सब चीज़ें हैं। इसकी हिस्ट्री देखना है तो आप गूगल कर लेना, गूगल करने के बाद आप पूरा समझ जाओगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से कुतुब मीनार कितना ऊंचाई है इसका, देख सकते हो खुद। सोचो ये कैमरा में हाल है, जब आप आके देखोगे तो कहोगे बाप रे बहुत ही बड़ा में है। और इसके चारों तरफ का हम आपको व्यू पॉइंट आपको दिखा देते हैं, ये देखो। पर सभी लोग अपने फोटो फोटो खींचने में एकदम व्यस्त हैं, एकदम मस्त मजा ले रहे हैं। हम भी खूब फोटो फोटो खींचे, वीडियोस बना रहे हैं, बस और भी चल। ये चारों तरफ से देख लो तो बहुत ही खूबसूरत दिल्ली का कुतुब मीनार। और अब हम सोच रहे हैं यहाँ से निकलने का, और भी बहुत सारा चीज़ें करना है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाके भी हमको बस पकड़ना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। खैर चलते हैं, देखते हैं। अभी हम चल रहे हैं बस स्टैंड पे कुतुब मीनार के, और कुतुब मीनार से तो हम निकली गए हैं, तो बस स्टैंड से जा रहे हैं हम न्यू दिल्ली, चलते हैं। फाइनली हम आ गए हैं होटल में, और होटल पे आके अभी रेस्ट ले रहा हूँ। और अब हम वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए दिल्ली में अभी ये एक दिन का वीडियो था। और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो कि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो उसको भी देखिएगा, प्यार करिएगा। और वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बस एक लाइक कर देना।